वेलकम बैक टू मासद के साथ गुफ्तगू यहाँ पर हो रही है। इस वक्त के जो सवाल उठाया था जी कि सरदारी साहब जो यहाँ पे हमारे साथ कादर मंदोखेर साहब है पीएमएलएन के और मौलिक बाल हैदर साहब, वो कहते हैं जी कि मुलव्वस हैं, इसलिए जो है वो मुल्क से जो इस वक्त निकले हुए हैं और इस मेमो स्कैंडल में मुलव्वस हैं, जो कि मुल्क में साजिश है, मुल्क के खिलाफ साजिश है, कौमी सलामती के हवाले से एक इंपॉर्टेंट इशू है। सईद गनी साहब एक डॉक्यूमेंट पढ़ने वाले हैं जी, मैं पढ़ देता हूं। पढ़ दी आई दी मोहम्मद नवाज शरीफ हियर बाय एक्नॉलेजेस दैट आई हैव अप्रूव्ड द जेंटलमैन, किसी को उन्होंने बीच में डाला था, उसका नाम क्या है, जेंटलमैन असिस्टेंस टू नेगोशिएट ऑन माई बिहाफ फॉर द रिलीज फ्रॉम इनकार्सरेशन इन पाकिस्तान। आई दी अंडरसाइन फर्दर एक्नॉलेज दैट आई एम फुली सेटिस्फाइड with the course and results of the negotiations on my behalf, that I have kept fully advised of the negotiations. ये सऊदी शेख, और सऊदी शेख नाम करा रहे थे ना भाई, लिखा कहां नाम लिखा, उसका नाम नहीं लिखा ना, मैं बताओ नाम, ये वो जी एक सेकंड, माफीनामा नहीं है, एक सेकंड एक सेकंड, किसके सामने है क्या भाई, मेरी बात मुझे पूरी करने दो, आप इस तरह डॉक्यूमेंट्स करके, मैं वो बातें बता रहा हूं जो इनके लीडर से कही है, आप बताओ आपने पिछले प्रोग्राम में चैलेंज किया था कि ये माफीनामा नहीं है तो क्या है यार, बताओ 10 साल के लिए इस मुल्क से भागे, 10 साल के लिए लिखा हुआ कि भाग रहा नहीं आऊंगा, करें मेरी बात सुनो, इसमें नहीं लिखा 10 साल के लिए जाओ, आपके सामने उन्होंने चैलेंज किया 10 साल के लिए माफीनामा लाऊंगा, इसमें नहीं लिखा 10 साल के लिए जा रहा हूं, मैंने चैलेंज किया था कि 15 दिन में नहीं हुआ, मैंने साबित किया, मुझे एक बात बताएं, चलें यहां से तो आपको जबरदस्ती निकाल दिया था, यहां से जबरदस्ती निकाल दिया, कह दी थे सऊदी अरब से जब अमेरिका गए ऑपरेशन करवाने शहबाज शरीफ, क्यों देकर गए, अंडरटेकिंग उसका भी इसमें है कोई लेटर, क्यों देकर गए, मुझे एक बात बता दे, मैं थोड़ा क्लियरफाई करूँ, नवाज शरीफ साहब चले गए जी, मैं कहता हूँ आप ये कहना चाह रहे हैं सरदारी साहब चले गए, मुल्क से भागे सरदारी साहब, भागे मैं सरदारी साहब, आप ये भी लिख दे जी, मेरे हम इस पे भी बैठे 27 तारीख को, क्या फायदा 27 तारीख को क्या आएंगे नहीं सरदारी साहब, आपकी पार्टी जलसा कर रही है 27 तारीख, एक बात क्लियर हो गई 15 दिन के अंदर ही बात करी, जो उन्होंने मुझे चैलेंज किया कि मैं माफी ना मांगूंगा, ये कौम के सामने माजरत कर ले, और ये मुस्लिम लीग नून सीएम मियां साहिबान से कि मैंने झूठ कहा और आवाम को गुमराह करने के बाद एक हफ्ता आपने चैनल वालों को अंगेज रखा, आपने लोगों को सस्पेंस में रखा, आज चैनल वालों ने प्रोग्राम स्पेशलिस्ट के ऊपर रखा है, आप बताओ कहां पे, या तो आप एक्सेप्ट करें कि मैं झूठ बोल रहा हूं और मैंने गलत बयानी से काम लिया, मैं माफी मांगता हूं, यहां से ये गए सऊदी अरब जवाब नहीं दे रहे, यहाँ से गए सऊदी अरब, सुनो पहले मुझे इसका जवाब देने उस पर भी आता हूँ, ये यहाँ से जब गए सऊदी अरब, मक्का मदीना हमारे लिए मुकद्दस मकामात हैं, वहां जाकर ये झूठ बोलते रहे बैठ के, हमने कोई मुआयदा नहीं किया जनरल मुशरफ से, कहते रहे रिकॉर्ड पर रही है, डिनाई करते रहे, बताओ भाई डिनाई करते रहे, उसके बाद तो कहा है, एक सेकंड यार पूरी तरह तो यार मेरी बात, आप 10 सवाल उठाते हो, पहले बात आपने जवाब नहीं दिया, अभी आप दूसरी बात गलत कर रहे हो, आप कह रहे जनरल मुशरफ, अब मुझे बताओ जनरल मुशरफ को मुआयदा कहा है, क्या बात करते हो यार, ये बड़ा आसान, अगर एक एक करके बात हो जाए, मुझे अगर टाइम जवाब अच्छा पकड़ लिया, बोल रही जवाब, आपका सवाल आ गया, मैं एक से जवाब ले लूं भाई, फिर महीना मेरे शो का जवाब मांग रहा हूं भाई, मैं कोई जवाब मुझे जनरल मुशर्रफ के साथ का प्रोग्राम रखा इसीलिए ये पेपर आप लोगों पे छोड़े, अगर लोग समझते हैं कि माफी ना माए तो मानेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, ठीक है जी, पब्लिक के अवेलेबल है, लोग समझते हैं, इसमें ये लिखा है कि नहीं लिखा है, 10 साल के लिए 27 तारीख को सरदारी साहब क्या करेंगे ये बता दीजिए, मैं वाइंड अप कर रहा हूं, मेरी मेरी वो बात रह जाती है, ये बातें इंटरप्ट करते ताकि मैं मुकम्मल कर सकूं जी, जल्दी से बोले वाइंड अप करना, यहां से गए सऊदी अरब में ये कहते रहे हमने कोई मुआयदा नहीं किया, कहते रहे ये रिकॉर्ड पर दुनिया को पता डिनाई करते रहे, उसके बाद जब ये वापस आए और भेज दिया गया, फिर उन्होंने हुकूमत ने ये डिस्क्लोज की सारी चीजें, शहजादा जो मुकरन था, प्रिंस मुकरन इंटेलिजेंस चीफ सऊदी का, वो यहाँ पर आया, उसने प्रेस से बात की कि हम जामिन थे, ये मुआयदा करके यहाँ से गए, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैंने 10 साल के लिए नहीं 5 साल के लिए मुआयदा किया था, जब ये कॉपियां सामने आई तो उसके अंदर 10 साल था भाई, एक आदमी खाना काबा में बैठकर मदीना और मक्का की मुकद्दस सरजमीन पर बैठकर झूठ बोलता है, उसको तो झूठा नहीं मानते हो, और बाकियों पे आप इल्जाम लगाते हो, दूसरी बात ये आसिफ अली जरदारी साहब 27 तारीख को आएंगे, ये बताते हैं आसिफ अली जरदारी साहब आएंगे वापस इस मुल्क में, मैं कहता हूं कि यही भागने वाले नहीं है, यही वो जेलों में रोते नहीं थे 27 दिसंबर को, जेलों में रोते नहीं थे 27 दिसंबर को, जलसे से खिताब करेंगे जरदारी साहब, करेंगे जी करेंगे, मैं ये नहीं करूं, ये जरदारी साहब आलमी क्रिमिनल है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनके इत्यादि एमके मौलू ने टीवी पे आके कहा है,
ये बात कर ले, क्या बातें करते हो? बात ये करते कि आप आलमी क्रिमिनल हो और अभी पाकिस्तान के खिलाफ, सलामती के खिलाफ, जो आपने फौज के खिलाफ लिखा, ये गद्दारी का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज होना चाहिए। और अगर आप अपने आप को बड़े हैरतमंद कहते हो, आज पाकिस्तान आपको लगता है गद्दारी है तो आप भी कोई जाएंगे पिटीशन लेके? आप अक्सर पिटीशन लेके जाते हैं? नहीं बिल्कुल, हमने एक रिप्रेजेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भेज दिया है इसके रोशनी में कि जनाब अब जो है आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करें एक जज को जो हाई ट्रीजन एक्ट 1976 के तहत जो है वो प्रोसीडिंग शुरू करें। और वो किसके खिलाफ जी आप कर रहे हैं रजिस्टर? वो मैंने उसमें प्रेसिडेंट पाकिस्तान को और सलमान फारूकी उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, हुसैन हक्कानी को उसमें, और प्राइम मिनिस्टर को विकास इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल, और बाकी जो लोग हैं उनमें कहा कि जिनको प्रोब करें। और उसके अंदर मिलिट्री इंटरवेंशन से ज़्यादा डर लगता है या सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा डर लगता है जब ऐसी पिटिशनों का सुनते हैं आप? भाई डर किसी बात से नहीं लगता, लेकिन गैर आइनी कानून से डर लगता है। इन्हें मुझसे पूछा, मैंने आपसे नहीं पूछा। गैर आइनी जो इकदाम होते हैं उसको हम हमेशा कंडेम करते हैं, और हमने हमेशा उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। हम इस मुल्क से भागे नहीं हैं, हमने फेस किया है फौज के डिक्टेटर्स को। हमारे लोगों ने फांसियाँ खाई हैं, हमारे लोगों ने कोड़े खाए हैं, हमारे लोगों ने जेलें काटी हैं। इनके यहाँ सवाए जावेद हाशमी का कोई दूसरा नाम मुझे बता दो जिसने कोई जाके कुर्बानी दी हो, और जिसने बेचारे ने कुर्बानी दी उसका जो हशर करें सबको पता है। सही, मैं माइंड अप करूंगा जी शो को इसी नोट के ऊपर। हमने काफी गुफ्तगू करी है इस मेमो स्कैंडल के हवाले से। आप तीनों मेहमान सर का बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो भागे नहीं अभी दुबई में बैठे हुए हैं। ये 27 दिसंबर की जो बात है ना जी, ये इस पर भी हम करेंगे जरूर। जो आप कह रहे हैं 27 तारीख को आप कहते हैं नहीं आने वाले सरदारी साहब, मैं कहता हूं भागे दुबई, अब कह रहे हैं हम नहीं भागे। ठीक है जी, मैं इसी नोट पर शो को वाइंड अप करता हूँ। आप तीनों मेहमान सर का बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस शो से सलमान खान को जा दीजिएगा। देखते रहेगा न्यूज़ 1।